वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुख्तस ज्योमेट्री। स्टूडेंट, इससे पहले हम 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट किए हैं, उसका फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग होमवर्क कर लीजिए और उसका एरिया पता कर लीजिए। अब हम सेकेंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला। मंदर जैल हर एक सवाल में के की कदर मालूम करें जिसके लिए नुक्ते हम खत हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। स्टूडेंट, सबसे पहले जो कोलिनियर है उसको समझे। पॉइंट कोलिनियर है, हम खत हैं बोले तो एक ही खत के ऊपर पॉइंट है, खाली एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो एरिया होता है हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मुसल्लिस का जो एरिया है स्टूडेंट वो है सिफर रखकर करना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस तरह से दिया है, इसको पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी रख लिया हमें, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब देखिए मुसल्लिस ए बी सी का रकबा देखना है हमें 1/2। फॉर्मूला लर्न करना आपको मैं सिखाया स्टूडेंट, उस वाले से आप लर्न कर लीजिए। चलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। ये रहा एरिया ऑफ मुसल्लिस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अभी एरिया जो है अपना सिफर है, जीरो इज इक्वल टू 1/2। एक्स वन का वैल्यू है 7, वाई टू का वैल्यू 1, माइनस वाई थ्री का वैल्यू है k, प्लस एक्स टू का वैल्यू 5, वाई थ्री का वैल्यू k, माइनस वाई वन का वैल्यू माइनस टू है, ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री का वैल्यू है 3, वाई वन का वैल्यू देखिए माइनस टू स्टूडेंट्स, और फॉर्मूले का माइनस वाई टू का वैल्यू 1। ये ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए यहां से 0 इज इक्वल टू 1/2, 7 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस के ऐसे रहेगा ये, ठीक है, प्लस चलिए इंटू कर लेंगे 5 इंटू के 5 के 5 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 3, माइनस 2 माइनस 1 होता है माइनस 3 स्टूडेंट। 0 इज इक्वल टू 1/2, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू माइनस के माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 होता है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें ऐड कर लेंगे पहले, 7 प्लस 10 होता है 17 स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 9 माइनस 9 हो गया स्टूडेंट, 5 के माइनस 7 के प्लस 5 के होता है माइनस 2 के स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए 0 इज इक्वल टू 1/2, 17 माइनस 9 निकालना है, यानी कि 17 में आपको 9 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो बच जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 के, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू 1/2, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, बच जाएगा 4 माइनस के, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस के, तो स्टूडेंट्स माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो यहां से हम के का वैल्यू निकाले जो 4 आया स्टूडेंट्स। इसी तरह से इसके अंदर पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स उसको भी, उसका भी जो एरिया है वो कोलिनियर हम खत हैं, उससे भी आप जो है ना सेकेंड में क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आप के का वैल्यू हमें बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।